हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 23 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 22 और 23 जनवरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। आज का पहला अपडेट है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का 2 दिवसीय सम्मेलन 23-24 जनवरी को महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है हाल में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी प्रमुख नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया। नेक्स्ट है हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 206 मीटर ऊंची बीआर अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट है हाल ही में अमित शाह ने असम ब्रेवहार्ट लचित बरफुकान पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिपुरा में 46वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर रिपोर्ट 2023 जिसका विषय है बियॉन्ड बेसिक्स, ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट है इंडियन इम्यूनोलॉजिस्ट ने स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, आगे हम इनको एक एक करके वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है राष्ट्रीय जल मिशन का 2 दिवसीय सम्मेलन 23-24 जनवरी को महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जल मिशन 2047 आगे का रास्ता विषय पर अखिल भारतीय सचिवों का सम्मेलन 23 और 24 जनवरी को महाबलीपुरम चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। और इस सम्मेलन का उद्देश्य भोपाल मध्य प्रदेश में 5 और 6 जनवरी 2024 को आयोजित जल पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा सुझाई गई 22 सिफारिशों पर विचार करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और की गई कार्रवाई की समीक्षा करना है। इसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तमिलनाडु सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री दुरई मुरुगन 2 दिवसीय विचार विमर्श में भाग लेंगे। और इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री की एक फिल्म फॉर द वाटर सिक्योर फ्यूचर और जल शक्ति अभियान कैच द रेन ए जर्नी नामक पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा। आज का नेक्स्ट अपडेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का उद्घाटन किया। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक किया जा रहा है और इस आयोजन में देश भर से 5500 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है बीरा मंगई जिन्हें रानी वैल्यू नाचियार जिन्हें बीरा मंगई के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय रानी थी जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 26 खेल सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें क्षेत्र के पारंपरिक खेलों को भी स्थान दिया गया है जिसमें कलारीपयट्टू गतका थांगड़ा थांगता कबड्डी और योगासन आदि हैं सम्मिलित हैं। इसमें पहली बार तमिलनाडु के मूल खेल सिलंबम को भी एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जा रहा है। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों मदुरै चेन्नई त्रिची और कोयम्बटूर में किया जा रहा है। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स 2018 में पीएम मोदी द्वारा देशभर में सभी प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने की एक पहल है। खेलो इंडिया योजना युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी प्रमुख नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं और वह वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 तक के लिए मंजूरी दी है। एक्चुअली एसएसबी के पूर्व डीजी रश्मि शुक्ला की महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किए जाने के बाद डीजी एसएसबी का पद खाली पड़ा था और अब जो आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी इनको एसएसबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और अगर एसएसबी की बात करें तो यह गृह मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ में से एक है और इसका गठन 1963 में हुआ था। इसका आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और भाईचारा और यह नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आज का नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में हिमाचल सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुरूप कदम उठाते हुए माई स्कूल माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना है। इस अभियान के तहत व्यक्तियों और संगठनों को करियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी पसंद का स्कूल अपनाने, शिक्षण के लिए अतिरिक्त और विशेष कक्षाएं आयोजित करने और योग प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस पहल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इवेंट स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप और मिड डे मील प्रोग्राम के लिए मौद्रिक योगदान भी शामिल है। एक्चुअली इस कार्यक्रम में समाज को वापस लौटाना ये एक थीम है इसकी। इसके तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहिणियों और समाज के किसी अन्य सदस्य को आगे आने और बिना कोई भुगतान या मानदेय लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए शैक्षणिक सहायता टीम का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब बेसिकली ये है कि इसमें जो रिटायर्ड टीचर हैं या कोई अन्य कर्मचारी हैं, पेशेवर हैं या हाउसवाइफ हैं या अगर समाज का कोई भी सदस्य है जो पढ़ा लिखा है, वो आगे आए और बिना कोई भुगतान या बिना कोई सैलरी या बिना कोई मानदेय के जो बच्चों को पढ़ाना है उस टीम की हेल्प करे, सहायता करे। तो ये बेसिकली इसका एक मोटिव है माय स्कूल माय प्राइड का। और इसकी थीम है समाज को वापस लौटाना, यानी कि जो समाज ने आपको दिया है, जो स्कूल ने आपको दिया है, शिक्षा जो दी है, उसके बदले आप समाज को लौटाओ, ये इसकी थीम है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने 206 फीट ऊंची बीआर अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और ये मूर्ति बीआर अंबेडकर की विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है और यह विश्व की 50 सबसे ऊंची मूर्ति की सूची में शामिल होगी। इससे पहले तेलंगाना स्थित बीआर अंबेडकर की मूर्ति सबसे ऊंची मानी जाती थी, जो कि 175 फीट ऊंची थी। और भारत से बाहर डॉक्टर बीआर अंबेडकर की मूर्ति, मतलब सबसे ऊंची मूर्ति अमेरिका के वाशिंगटन में है और जिसका 2023 में अनावरण किया गया था, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में अमित शाह ने असम ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में अनूप कुमार दत्ता की पुस्तक असम ब्रेवहार्ट लचित बरफुकन का विमोचन किया। अब लचित बरफुकन की बात करें तो लचित बरफुकन अहोम साम्राज्य के एक प्रमुख सैनिक कमांडर थे। उन्होंने अहोम मुगल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लचित बरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। लचित बरफुकन को 1671 की सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने का प्रयास बाधित हो गया था। लचित बरफुकन स्वर्ण पदक राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रदान किया जाता है। रक्षा कर्मियों को बरफुकनी वीरता और बलिदान का पालन करने के लिए प्रेरित करने के लिए 1999 में पदक की शुरुआत की गई थी। 25 अप्रैल 1672 को बरफुकन की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी में प्रकाशित और 24 भारतीय भाषाओं में अनुवादित इस पुस्तक का उद्देश्य राष्ट्रीय नायक लचित बरफुकन की विरासत को बढ़ावा देना है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में त्रिपुरा में 46वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो 19 जनवरी को हर साल त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। इसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है और कोकबोरोक त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा इस दिन को 1979 में आधिकारिक भाषा के रूप में इसकी प्रारंभिक मान्यता के उपलक्ष्य में चुना गया था और तब से यह दिवस मनाया जाता है हर साल। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण और प्रचार के महत्व को दर्शाता है। और साल 2011 की जनगणना के अनुसार कोकबोरोक बोलने वाले की संख्या लगभग 6,95,000 थी। कोकबोरोक भाषा की स्क्रिप्ट कोलोमा है, यानी कि इस भाषा की स्क्रिप्ट का नाम है कोलोमा। कोकबोरोक तेई हुकुम मिशन के माध्यम से कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन कोकबोरोक भाषा, कला, साहित्य, फिल्म और संगीत को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। कोकबोरोक दिवस, जिसे त्रिपुरी भाषा दिवस भी कहा जाता है, भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास के जश्न के रूप में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जापान 20 जनवरी 2024 को देर रात चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरा करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। जापान ने इस मिशन को 6 सितंबर 2023 को अपने मित्सुबिशी रॉकेट से चांद के लिए रवाना किया था। इसके मिशन का नाम है स्लिम बोले तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून। ये लैंडर चंद्रमा के इक्वेटर के निकट लैंड किया है, यानी एकदम इक्वेटर के नज़दीकी इन्होंने लैंड किया। जैसे कि हमने अपना चंद्रयान 3 भेजा था तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ था, जबकि ये जो जापान का जो गया है स्लिम, ये चंद्रमा के इक्वेटर पर लैंड किया है। इससे पहले रशिया, यूएसए, चीन और भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। हमने तो हाल ही में करवाया था अभी कुछ टाइम पहले। यह मिशन मून स्नैपर करार दिया गया है क्योंकि इसमें पिन पॉइंट लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए एक नई तकनीक थी, यानी इसे इसको इसका एक और नाम दिया गया था मून स्नैपर। और स्नैपर क्यों? क्योंकि एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पर उतरने वाला था, यानी कि 100 मीटर दाएं बाएं हो सकता था तो उतना चलता है।
क्योंकि जाक्सा ने ये बोल के भेजा था कि हम इसे इस पॉइंट पर उतारेंगे, तो इसलिए इसे मून स्नैपर नाम भी दिया गया था क्योंकि ये पिन पॉइंट लैंडिंग करने वाला था। इसके अलावा अगर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून यानी कि स्लिम मिशन की बात करें तो इस लैंडर का वजन 200 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 2.4 मीटर और चौड़ाई 2.7 मीटर है। इसमें बेहतरीन रडार, लेजर रेंज फाइंडर और विजन बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ये उपकरण एक्यूरेट लैंडिंग में सहायक रहे हैं। इसमें लूनर एक्सप्लोरेशन व्हीकल और लूनर रोबोट भी हैं। इन्हें सोरा क्यू नाम दिया गया है। ये जो मिशन है ये जापान ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग तो इसी करवा दी है, लेकिन अभी जो ये मिशन है ये पूर्ण रूप से सफल नहीं है क्योंकि जो इसके सोलर पैनल थे वो भी काम नहीं कर रहे हैं, ये भी न्यूज आई थी, तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा भारत और जापान भी एक संयुक्त चांद का मिशन भेजने वाले हैं जिसका नाम है लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसरो और जाक्सा मिलकर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स को लॉन्च करेंगे और इसे करीब 2026 में लॉन्च किए जाने की संभावना है, यानी कि अभी 2 साल हैं इसको लॉन्च करने में। इसके अलावा 8 जनवरी 2024 को यूएसए ने पेरेग्रीन मिशन 1 लॉन्च किया था, लेकिन यह मिशन लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद अंतरिक्षयान में ईंधन रिसाव के कारण लैंडिंग करने में विफल हो गया और ये मिशन वापस रिटर्न आ रहा है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में एनजीओ प्रथम ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट यानी कि असर रिपोर्ट 2023 जिसका शीर्षक है असर रिपोर्ट 2023 बियॉन्ड बेसिक्स, यह हाल ही में जारी की गई है और इसका 2023 का सर्वेक्षण ग्रामीण भारत के 14 से 18 वर्ष के बच्चों के समूह पर केंद्रित था। इसमें विशेष रूप से बच्चों के पढ़ने की क्षमता और गणित कौशल का आकलन किया गया था और यह सर्वेक्षण 26 राज्यों के 28 ग्रामीण जिलों और 34,745 युवा उत्तरदाताओं के बीच किया गया था। इस सर्वेक्षण में मापने के 4 व्यापक बकेट हैं, वह गतिविधि, आकांक्षा, सामान्य रूप से जागरूकता और क्षमता। इस रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 4 में से एक बच्चा अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ बिना रुके नहीं पढ़ सकता है यानी कि फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकता है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 88.8% बच्चे या तो स्कूल या किसी कॉलेज में नामांकित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 57% बच्चे अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते हैं और 73% से अधिक उनका अर्थ भी बता सकते हैं। इसके अलावा अंक गणित और अंग्रेजी पढ़ने में लड़के लड़कियों से बेहतर हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल कुल बच्चों में से 95% लड़के और 90% लड़कियां स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं। देश भर में निजी ट्यूशन चुनने वाले बच्चों का अनुपात 2018 में 25% से बढ़कर 2022 में 30% हो गया है, यानी कि 2018 में 25% था प्राइवेट ट्यूशन वालों का और 2022 में 30% हो गया है। साइंस स्ट्रीम में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन कम है। साइंस स्ट्रीम में जहां लड़के 36.3% है और इसकी तुलना में लड़कियां 28.1% ही हैं। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने हेविशर नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा अगर हेविश्योर टीके की बात करें तो हेविश्योर एक 2 खुराक वाला टीका है। पहली खुराक 12 महीने के ऊपर की उम्र में दी जाती है और जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक से कम 6 महीने बाद दी जाती है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल संक्रमण है जो कि दूषित भोजन और पानी से के सेवन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए लीवर की सूजन है जो हल्के से लेकर गंभीर लक्षण पैदा कर सकती है। इसके अलावा अगर देश में औषधियों के अनुमोदन की प्रक्रिया और संस्थाएं की बात करें तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। इस संस्था द्वारा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत औषधियों का आयात, विनिर्माण, अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण आदि किया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ये CDSCO की अधीन एक नियामक एजेंसी है जिसके द्वारा भारत में तथा विशिष्ट श्रेणी में औषधियों हेतु लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। साथ ही औषधियों के विनिर्माण विक्रय हेतु मानक तय किए जाते हैं। इसके अलावा यह राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण के साथ मिलकर औषधियों का विक्रय और वितरण प्रशासित करती है। तो बस यही थे आज के अपडेट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।